नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी के कुछ इलाकों में हर साल मानसून के बाद बाढ़ जैसी हालत पैदा हो जाती है, जिसे देखते हुए प्रशासन अभी से उन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले साल रही कुछ कमियों को प्रशासन इस बार नहीं दोहराना चाहता। इन तैयारियों का जायजा लेने बुराड़ी स्थिति जगतपुर इलाके में पहुंची, जहां लोग भी प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। बुराड़ी और उसके आसपास के उन इलाकों का जायजा लिया गया जहां हर साल स्थिति काफी भयावह हो जाती है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में मानसून के सीजन में लगातार बारिश होने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिससे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालत काफी भयावह हो जाती है। दिल्ली में भी अलीपुर से ओखला बैराज तक यमुना के करीब 22 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा आता है, जिसमें हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहता है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगता है। विनोद कुमार है। हाँ विनोद जी, ये जो दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं बाढ़ को लेकर के, यहाँ पर पहले से इंतजाम किया जा रहा है। मिट्टी के जो बैग हैं वो भर कर रखे गए हैं, मिट्टी भी जगह जगह पड़ी है और काफ़ी लंबे एरिया में इस तरह की तैयारी की जा रही है। कितना सही है जो पिछली कमियाँ थी उनको इस बार दूर करने के लिए? देखो, सरकार भी हर बार कुछ ना कुछ नया सीखती है। कुछ कमियाँ पिछली बार रही थी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कुछ सिस्टम अपडेट होने में टाइम लगा था, इस बार इन्होंने एडवांस में मिट्टी भी भर ली है, कट्टे भी लगा लिए हैं और अपनी तैयारी लगभग इनका कर दी है इन्होंने। बल्कि बांध की सफाई भी की है। अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो उन्होंने वो बांध की सफाई भी करा दी, क्योंकि कीकरें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से निकलने बढ़ने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो सरकार इस बार तो देखो लग रहा है कि कोरोना के काल में भी वो बहुत एक्टिव है। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, यहाँ किसानी भी होती है और यहाँ फसल भी काफ़ी बड़ी संख्या में किसान यहाँ उगाते हैं, तो मात्रा में जो उगाते हैं, तो कितना ये नुकसान बाढ़ से किसानों को होता है? किसानों को तो 100% ही होता है। अभी जो आपके सामने ज्वार खड़ी है या मक्का, सॉरी क्या नाम, ज्वार खड़ी है, मक्का भी बो रखे, कुछ लोगों ने बाजरा बो रखा है। ये जब तक होगा अपने, मतलब जवान होगा, जब तक काटने लायक होगा, इतने पानी आ जाएगा। वो अपना नाम बताएं। ईश मलिक। हाँ ईश मलिक जी, पिछली बार पानी जब आया था तो सरकार की तरफ से यहाँ कमियाँ काफ़ी रही थी, इस बार सरकार ने उन कमियों को पूरा करते हुए समय से संज्ञान लिया है और बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने के लिए पहले से सुरक्षा इंतजाम कर लें, कितने पुख्ता हैं ये इंतजाम? देखा जी, जो आप बता रहे हैं पिछले साल अपेक्षा ऐसी रही थी, जहां हम खड़े हैं इस स्थिति पे भी पूरा पानी आ गया था और उस स्थिति को देखते हुए डिपार्टमेंट द्वारा तमाम इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए भी अब तो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जगह, और आप देख ही सकते हैं अगर कल के जो हालात रहे, अगर इसी हिसाब से बरसात होती है तो आगे क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। कितना पानी आया था पिछली बार? पिछली बार करीब 3 लाख 4 लाख 5 लाख अलग अलग घोषणा हुई थी, 10 लाथ के आसपास क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथरी कुट बैराज से, जिससे स्थितियां काफ़ी विकराल हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी उतर गया था। अब की स्थिति क्या है, अब चारों तरफ बरसात चल रही है। राजधानी दिल्ली में कल एक बरसात से भी आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली एक डूब गई थी। जिस तरीके अगर इस तरीके से बरसात होगी तो सरकारी व्यवस्था जो की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरी हो पाए।